परिवार के साथ एक और परिवार जुड़ा है और बहुत सुंदर ये बेला है। आप सब लोग तालियां बजाकर के स्वागत कीजिएगा। देखो हाँ, दर्शन करके और अपना अपना स्थान ग्रहण करें और पीछे ना ही जाए, आगे बैठे। मेरा तो निवेदन ये है, आली मोहे लागे वृंदावन निको, ये आपके लिए भी है क्योंकि आली 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 महिला के वृंदावन निको, आली महिला के वृंदावन निको, आली महिला के वृंदावन निको, आली महिला के वृंदावन निको। घर घर ठाकुर तुलसी पूजा, घर घर ठाकुर तुलसी पूजा, तुलसी पूजा, घर घर ठाकुर तुलसी पूजा। जमाने में से चाहे हट गई हो लेकिन वृंदावन में
तकियों को हटा दो, तकिए भजन नहीं सुन रहे हैं, तकियों की जगह आप ले लो। हाँ, और जो पीछे बैठे भी हैं या खड़े भी हैं वो वहां पर बैठे, मेरे भाई लोग से भी मेरा यही निवेदन है कि आगे आए, क्योंकि ये खूबसूरत, ये सुंदर, ये पवित्र ऐसा संगम भक्त और भगवान का कभी कभी होता है, कभी कभार, जब उनकी मर्जी हो, उनकी कृपा हो, न जाने कौन से गुण पर दयानिधि बीज जाते हैं। आली मुगे लागे वृंदावन को, ब्राह्मण के परिवार में जन्मा है, थोड़ा बहुत भजन कर लिया कर, कभी आरती उरती कर लिया कर, पूजा कर लिया कर, कभी भगवान के चरणों में माथा टेक दिया कर। बोले वो कहता था ना पापा मेरी बस की नहीं है। कह रहे एक बार दोस्तों के साथ बोला मैं 5 दिन के लिए वृंदावन जा रहा हूँ, जा बेटा। बोले दीदी आप यकीन नहीं करोगे, 5 दिन में जब वो लौट करके आया तो उसके हाथ में माला झोली थी, माला थी, और घर में बैठ करके राधे 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 की 11 माला जप रहा था। अभी आएंगे बताएंगे, मैं झूठ नहीं बोल रहा, अभी की अभी अभी बात हुई हमारी। तो ये उसकी मर्जी है, वो किस पे कब क्यों कहां कैसे कृपा करेगा वो बताएंगे। वहां क्या है मीरा बता रही है, मैं क्यों पड़ी हूं बता रही है। ताली बजाएंगे आप जरा, क्योंकि आप आपका सहयोग है, आपको लगे कि मैं भी कीर्तन कर रहा हूं या कर रही हूं। कुंजन कुंजन फिरत राधी कि मैं पर्वत जितना बोझ उठा कर के भी नाच सकता हूँ।